सो ये गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले पोकेमोन यूनाइट के अंदर हमारे जो टॉप स्पीड स्टार है, ऑब्वियसली सारे स्पीड स्टार टॉप में आते हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको उन स्पीड स्टार के बेस्ट मूव सेट बताने वाला हूँ, उनकी स्ट्रेंथ बताने वाला हूँ, क्यों आपको उन्हें प्ले करना चाहिए, साथ में उनके बेस्ट बिल्ड एंड बूस्ट एम्बलम सेट। तो ये सब आज की इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो यह वीडियो में आपको काफी मजा आएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम लैप डाल रखा है, जहां से आप अपने फेवरेट स्पीड स्टार का बिल्ड एंड एम्बलम बाद में भी देख सकते हो, जब आप भूल जाओ या बाद में आके अपना फेवरेट बिल्ड वापस से चेकआउट कर लेना। या तो वीडियो काफी ज्यादा क्रेजी होने वाली है। एंड अभी तक अगर वीडियो में आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, लाइक एम रखते हैं 200 का। सो इन पोकेमोन यूनाइट अगर रियल मेटा की बात करें तो सबसे मतलब स्टार्टिंग में एक मेटा आया था जो कि भाई अनब्रोकेबल था। अगर आपने गैस कर लिया भाई मेटा कौन सा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। या मैं बात कर रहा हूँ एप्सुल के बारे में। ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट। तो रिसेंटली भाई एप्सुल को एक बफ मिला जो कि बहुत ज्यादा ब्रोकन है। उसके ओवरऑल अटैक स्टेट को इन्होंने बफ दिया था, साथ में जो सगर पंच मूव सेट है उसका कूलडाउन इन्होंने रिड्यूस किया था, यूनाइट मूव का भी कूलडाउन कम किया था, जिसके बाद एप्सुल काफ़ी अच्छा चल रहा है इन रैंक मैच। अगर आप अल्ट्रा पे हो तो भाई अल्ट्रा टू मास्टर इजिली आप एप्सुल को यूज़ करो, मेरा प्रेफरेंस है ये। बाकी स्ट्रेंथ की बात करें एप्सुल की क्या स्ट्रेंथ है, तो भाई आपको पता है एप्सुल का डैमेज आउटपुट काफ़ी हाई आता है। एप्सुल के पास अपनी हाई मोबाइलिटी और उसके पास डैश मूव सेट है जो कि उसे और अच्छी मोबाइलिटी दे देता है, और यूनाइट मूव काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है उसका। तो या ये इसकी कुछ स्ट्रेंथ है जो कि एप्सुल को अगर आप चलाते हो तो आपको पता होनी चाहिए। बाकी मूव सेट की बात करें जो कि बेस्ट मूव सेट होने वाला है एप्सुल के लिए अभी के टाइम पे, देखो परस्यूट एंड सकर पंच एंड नाइट स्लैश प्लस सकर पंच, ये दोनों कॉम्बो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी परस्यूट प्लस सकर पंच अगर आप अल्ट्रा पे तो ज़रूर यूज़ करना। इन पे आप कौन सा हेल आइटम यूज़ कर सकते हो जो कि बेस्ट होगा, तो यहाँ पे दो हेल आइटम मैं बताने वाला हूँ। पहली बात स्कोप लेंस रेजर क्लो, ये दो आप प्लीज़ लगा के रखना। बाकी थर्ड आइटम के अंदर आप एनर्जी एम्पलीफायर लगाना अगर आप जंगल के अंदर जाते हो। बाकी अगर आप टॉप एंड बॉटम लेन स्पीड स्टार हो तो एनर्जी एम्पलीफायर को हटा के अटैक वेट यूज़ करना, इससे काफ़ी अच्छा आपका अटैक का मतलब बूस्ट मिलेगा। स्कोप लेंस आपको हेल्प करेगा क्रिटिकल डैमेज को इंक्रीज करने में, रेजर क्लो कूलडाउन एंड क्रिटिकल डैमेज दोनों को हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में, एनर्जी एम्पलीफायर कूलडाउन यूनाइट मूव का कूलडाउन कम करेगा एंड यूनाइट मूव का डैमेज भी इंक्रीज करता है, तो बेटर रहेगा ये आपके लिए। और अटैक वेट आपको पता है ये अटैक जो होता है उसको बूस्ट करता है, तो ये आप यूज़ करना एंड ये बेस्ट रहेगा अभी के लिए। एंड बूस्ट एम्बलम में आप यूज़ कर सकते हो इस पर 6 ब्राउन एम्बलम डैमेज के लिए एंड 6 वाइट एम्बलम एडिशनल एचपी के लिए, एंड इसका आप अटैक एंड क्रिटिकल का जो अदर में उसे भी प्रिफेयर कर सकते हो इसके साथ। बाकी ये वाला जो एम्बलम है एप्सुल पे आप यूज़ करना, ऑल दो हर जो स्पीड स्टार है उस पर 6 ब्राउन एम्बलम एंड 6 वाइट एम्बलम काफ़ी अच्छा रहता है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट, सो नाउ बात करते हैं डोडरियो के बारे में। तो इन गेम डोडरियो भाई काफ़ी ज़्यादा करेंटली यूज़ तो नहीं हो रहा, बट पहला मेटा इसका काफ़ी अच्छा था, रिसेंटली इसमें नर्फ किया गया जो कि है ड्रिल पिक एंड इसके यूनाइट मूव के अंदर। बट डोडरियो अगर आप अभी यूज़ करना चाहते हो तो इसकी भाई आपके पास फास्ट मूवमेंट स्पीड होगा पूरा मैप, आप काफ़ी अच्छे ट्रैवल कर पाओगे। स्कोरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ तो स्कोरिंग फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है डोडरियो की, जिस वजह से इसके अंदर जो स्कोरिंग हेल आइटम्स है वे काफ़ी अच्छे यूज़ हो जाते हैं। एंड अगर आप किसी फाइट में इनरोल हो जाते हो तो काफ़ी जल्दी आप उस फाइट से बैक ऑफ कर सकते हो, क्योंकि इसके पास रन एंड फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। बाकी मूव सेट की बात करें तो अभी के टाइम पे आप ट्री अटैक प्लस एजिलिटी यूज़ करो, उसी के साथ साथ ड्रिल पिक प्लस जंप किक का कॉम्बो होता है, बट मैं प्रीफर करूँगा ट्री अटैक एंड एजिलिटी आप यूज़ करना। साथ में हेल आइटम की बात करें तो इस पर स्कोरिंग हेल आइटम काफ़ी यूज़ होते हैं, तो अटैक फेट तो प्लीज़ लगाना, उसके साथ रेजर क्लो लगाना, साथ में आप कुछ अदर जो स्कोरिंग आइटम्स है जैसे कि एओस कुकी फ्लोट स्टोन, तो ये भी यूज़ हो सकता है, तो आप फ्लोट स्टोन या एओस कुकी दोनों में से एक लगा लेना, एंड मैं कहूँगा एओस कुकी लगा लेना पहले। साथ में बैटल आइटम की बात करें तो बैटल आइटम में फुल हील ज़रूर लगाना, क्योंकि अभी के मेटे में काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टन है, तो या ये यूज़ करना ज़रूरी है। बाकी बूस्ट एम्बलम की बात करें तो इस पर भी 6 ब्राउन एंड 6 वाइट आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका अटैक एंड मूवमेंट स्पीड भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट पोकेमोन जो हमारा है वे है गेंगार। तो गेंगार की बात करें तो भाई रिसेंटली गेंगार के अंदर एक बग था जिसके अंदर उसका जो विल ऑफ विस्प मूव सेट था वे ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा था, एंड ये हैक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो उसको ठीक कर दिया गया, तो अब आप इसे यूज़ करो। एंड भाई इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई इसकी स्ट्रेंथ में क्या ही बताऊँ, आपको पता ही है वन शॉट किंग में गेंगार टॉप पे ही आता है, अगर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा डैमेज आता है गेंगार का, एंड
चाहे अटैकर हो सामने या टैंक पोकेमोन हो, दोनों के लिए भाई गेंगार बेस्ट है, क्योंकि इसके पास दो प्ले स्टाइल है, एक तो ड्रीम ईटर एंड शैडो वेव, उनका कॉम्बो जो है अटैकरों के लिए तो काफ़ी खतरनाक है, एंड हैक्स का कॉम्बो हैक्स और स्लज वो, तो ये कॉम्बो भी काफ़ी खतरनाक है। बाकी हेल आइटम की बात करें जो आप यूज़ कर सकते हो, तो देखो मोस्ट ऑफ द प्लेयर को मैं बता दूँ, इस पर स्पैक्स हेल आइटम जो है अपने हुए काफ़ी यूज़ होता है, तो इस पर वाइस ग्लास, चॉइस पैक, स्लिक स्पून आप यूज़ कर सकते हो। रिसेंटली कर्स इंसेन करके हेल आइटम है, वे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं बंदे, तो आप चॉइस पैक्स को रिप्लेस करके कर्स इंसेन यूज़ कर सकते हो। तो बैटल आइटम की बात करें, इसके साथ बैटल आइटम में आपको कौन कौन से यूज़ करने चाहिए, तो इजेक्ट बटन या फुल हील, आप ये दोनों प्रेफर करो। एंड फुल हील अगर देखा जाए तो मास्टर लॉबी में आप ट्राई करना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्टन आपको मिलेगा। अगर अल्ट्रा पे हो तो इजेक्ट बटन आप चूज़ कर सकते हो। बाकी बात करें कर्स इंसेन जो कि न्यू हेल आइटम है, उससे क्या होता है अपोनेंट की हीलिंग डिक्रीज कर देता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी वाइस ग्लास हेल्प करेगा स्पेशल अटैक बूस्ट करने के लिए जो उसका अटैक स्टेट है। स्लिक स्पून डिफेंस एंड अटैक दोनों को इंक्रीज करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड चॉइस पैक गेंगार का स्पेशल अटैक स्टेट इंक्रीज करता है, एंड मूव का डैमेज भी ओवरऑल इंक्रीज करता है, तो काफ़ी बेटर है ये हेल आइटम्स। तो यही हेल आइटम यूज़ करना, कुछ और बेकार सा हेल आइटम मत यूज़ करना। गेंगार काफ़ी अच्छा पोकेमोन है एंड वन शॉट किंग है। बूस्ट की बात करें तो या इस पे 6 ग्रीन जो कि डैमेज काफ़ी अच्छा देगा, एंड 7 ब्लैक जो कि कूलडाउन रिडक्शन का होता है, तो वे आप यूज़ कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। बाकी ये वाला जो बूस्ट एम्बलम पे ये ट्राई करना, अगर इसमें से आपके पास कोई नहीं है तो उसके जगह आप ग्रीन या वाइट वे यूज़ कर लेना, जो कि स्पेशल अटैक को बूस्ट देगा आपके। बाकी आप नेक्स्ट पोकेमोन पे चलते हैं जो कि है हमारा लीफियन। तो रिसेंटली भाई लीफियन को बफ मिला है जो कि उसका मूव सेट है एरियल एक वाले को। बाकी बात करें तो ये अभी भी करंट मेटा में और काफी इंसेन परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रेंथ की बात करें लिफियन की, तो लिफियन के पास काफी अच्छा डैमेज आउटपुट हुए हमें दे देता है, हाई बस डैमेज आउटपुट है, साथ में उसका मोबिलिटी काफी अच्छा है। एंड मूव सेट की बात करें तो मूव सेट में रेजर लीफ प्लस लीफ ब्लेड का कॉम्बो आप यूज कर सकते हो, सोलर ब्लेड प्लस लीफ ब्लेड का कॉम्बो यूज कर सकते हो, रेजर लीफ प्लस एरियल एक का कॉम्बो आप यूज कर सकते हो, बट मैं जो प्रीफर करूंगा वे है सोलर ब्लेड प्लस लीफ ब्लेड। ये कॉम्बो काफी ज्यादा चल रहा है अभी करंट मेटा में, तो ये यूज करो। हेल आइटम की बात कर लेते हो, तो हेल आइटम के अंदर आप यूज कर सकते हो अटैक वेट प्लस एनर्जी एम्पलीफायर प्लस रेजर क्लो, तो ये आप मस्ट यूज करना। अटैक वेट हेल्प करेगा आपको डैमेज आउटपुट इंक्रीज करने में, एनर्जी एम्पलीफायर आपको हेल्प करेगा यूनाइट मूव का कूल डाउन एंड डैमेज के अंदर, रेजर क्लो ओवरऑल डैमेज एंड क्रिटिकल डैमेज को इंक्रीज करने में आपका हेल्प करेगा। नाउ गाइज हम बात करने वाले हैं करेंटली मेटा सीजन 18 का जो सबसे बेस्ट मेटा है, आपको शायद आपने गैस कर लिया होगा, या म्यूस काडा की बात करो, म्यूस काडा अभी करेंटली मैसिव मेटा में है एंड काफ़ी अच्छा डैमेज आउटपुट निकलता है। बफ की बात करें तो इसके हर मूव सेट को काफ़ी अच्छे बफ मिले। साथ में अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो म्यूस काडा का भाई जो मूव का कूलडाउन है काफ़ी कम है, एंड हाई मोबिलिटी ग्रांट करता है, स्ट्रॉन्ग एरिया डैमेज प्रोवाइड करता है, एंड सर्वाइवेबिलिटी इसका काफ़ी अच्छा है ड्यू टू इसकी पैसिव एबिलिटी ओवरग्रो, तो काफ़ी अच्छा है अभी के टाइम म्यूस काडा, आप चाहो तो प्ले करो। मूव सेट की बात करें तो अभी के टाइम में आप नाइट स्लैश प्लस ट्रेल ब्लेज का कॉम्बो यूज़ करो, जो कि सबसे बेस्ट है। बाकी बात करें दूसरा मूव सेट है इसका फ्लावर ट्रिक प्लस डबल टीम, तो अभी हम बात कर लेते हैं हेल आइटम पे, तो हेल आइटम के अंदर आप अटैक वेट स्कोप लेंस एंड मसल बैंड जरूर लगाना इसके ऊपर। अटैक वेट हेल्प करेगा आपका अटैक स्टेट बूस्ट करने में, एंड एरिया ऑफ डैमेज आपको पता है म्यूस काडा का काफ़ी अच्छा है, तो अटैक वेट हेल्प करेगा काफ़ी अच्छा। स्कोप लेंस आपका क्रिटिकल हीट रेट को इंक्रीज करेगा, एंड नाइट स्लैश कॉम्बो अभी बहुत चल रहा है इसलिए स्कोप लेंस काफ़ी अच्छा है अभी के टाइम पे। मसल बैंड आपको हेल्प करेगा अटैक स्पीड को इंक्रीज करने में, एंड ओवरऑल अभी के टाइम में जो इसका बेसिक अटैक है वो भी काफ़ी अच्छा डैमेज प्रोवाइड करता है, तो ये तीन कॉम्बो तो भाई मस्ट आप यूज़ करना जो हेल आइटम का है। बाकी हम बात कर लेते हैं बूस्ट एम्बलम, तो बूस्ट एम्बलम में आप फिर से इस पर ब्राउन 6 ब्राउन एंड वाइट यूज़ कर सकते हो, जो कि अभी बेस्ट है। साथ में अटैक एंड क्रिटिकल हीट रेट का जो एम्बलम सेट होता है वे भी आप इस पर डालो, तो काफ़ी बेटर रहेगा, आपका डैमेज एकदम इंसेन जाएगा। बाकी आप ये वाला हेल आइटम इस पर यूज़ करो जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाउ गाइस हम बात कर लेते हैं स्पीड स्टार के अंदर हमारा ट्रोलर पोकेमोन, तो मैं बात कर रहा हूँ टैलन फ्लेम की। तो रिसेंटली टैलन फ्लेम में एक बग था, उसको फिक्स किया गया। बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो टैलन फ्लेम का डैमेज आउटपुट काफ़ी अच्छा निकल जाता है। ऑब्स्टेकल को भाई काफ़ी इजीली
पास कर जाते हैं, मतलब इसके मूव सेट ऐसे हैं जो बॉल को आपको आगे पीछे करने में काफ़ी अच्छा हेल्प हो जाता है। बाकी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सिक्योर के मामले में, तो टैलोरफेन एक बेस्ट पोकेमोन है ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने में, एंड ट्रोलिंग में तो आपको पता ही है इसका मुकाबला नहीं है। मूव सेट की बात करें तो मूव सेट के अंदर आप एरियल एग प्लस फ्लाई, फ्लाई की जगह आप ब्रेव बर्ड भी लगा सकते हो, बाकी फ्लेम चार्ज के साथ फ्लाई एंड ब्रेव बर्ड दोनों का कॉम्बो आप यूज़ कर सकते हो। मैं प्रीफर करूँगा आपको एरियल एग प्लस फ्लाई आप यूज़ करो, एंड याद रखना लेवल 7 तक प्लीज फाइट में ज़्यादा इनरोल मत होना, लेवल 7 आप पहले कर लेना अपना स्कोरिंग एंड फार्मिंग के थ्रू, उसके बाद फाइट में इनरोल होना। टैलेंट फ्रेम का आउटपुट तभी आपको देखने को मिलने वाला है। बिल की बात करें तो इससे आप अटैक वेट, रेजर क्लो एंड साथ में यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एनर्जी एम्पलीफायर या यहाँ पे चार्जिंग चार्म, ये आप यूज़ कर सकते हो। आइटम में बात करें तो सिडिंजर डोल एंड इजेक्ट बटन आप यूज़ कर सकते हो। बूस्ट एम्बलम के अंदर आप इस पर 6 ब्राउन एंड 6 वाइट का यूज़ कर सकते हो। तो टैलोरफेन काफ़ी अच्छा पोकेमोन है, बट अभी तो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में टैलोरफेन क्या आप यूज़ करते हो इस मेटा के अंदर या नहीं। सो नाउ गाइस हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पी स्टार, जो कि भाई करेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वे है जेरोरा। जेरोरा में रिसेंटली बफ मिला है जो कि उसकी वोल्ट स्विच एंड वाइल्ड चार्ज को, जो कि भाई अभी इनसेन डैमेज प्रोवाइड करता है एंड मेरा पर्सनल फेवरेट पी स्टार में आता है ये। स्टैंड की बात करें तो भाई इसका एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन है डैश मूव सेट के साथ, जो इसे हाई मोबिलिटी देता है, एंड टू प्ले स्टाइल है जो कि डिस्चार्ज एंड वाइल्ड चार्ज का है। तो सामने अटैकर हो या टैंकर हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को काउंटर कर सकते हो। मूव सेट की बात करें तो वोल्ट स्विच के साथ डिस्चार्ज का कॉम्बो है एंड स्पार्क के साथ वाइल्ड चार्ज का कॉम्बो है। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप स्पार्क एंड वाइल्ड चार्ज के साथ खेलो गेम में, अभी का टाइम काफ़ी अच्छा डैमेज आउटपुट आप इसके साथ निकाल सकते हो। हेल आइटम की बात करें तो स्पार्क प्लस वाइल्ड चार्ज का हेल आइटम में आप अटैक वेट, रेजर क्लो प्लस एनर्जी एम्पलीफायर आप यूज़ कर सकते हो ताकि यूनाइट मूव जल्दी आ जाए। बाकी अगर ये आप प्रीफर करते हो तो थोड़ा फार्मिंग पे फोकस करना, अर्ली गेम में फाइट मत लेना क्योंकि इसका मूव सेट लेट ओपन होता है, तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अटैक वेट लिया है तो आपको स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपका डैमेज अच्छा आ जाए। जैसे कि आपको पता है एनर्जी एम्पलीफायर आपके यूनाइट मूव का कूलडाउन कम करेगा, रेजर क्लो आपके क्रिट को इंक्रीज करेगा। साथ में बात करें बैटल आइटम के अंदर तो इजेक्ट बटन आप यूज़ कर सकते हो बैटल आइटम में, जो कि बेस्ट रहेगा। बूस्ट एम्बलम की बात करें तो ब्राउन 6 ब्राउन आप यूज़ करो डैमेज के लिए एंड 6 वाइट फॉर एडिशनल एचपी, जो कि बेस्ट होता है स्पीड स्टार के लिए। सो नाउ हम बात करने वाले हैं आई थिंक स्पीड स्टार के अंदर इसको आप किंग कह सकते हो सारे स्पीड स्टार का करेंटली। बाकी देखो कोई बंदा यहाँ को ऑफेंड नहीं होगा कि भाई ये तो इन स्पीड स्टार का किंग, कुछ और है। मुझे पता है अभी कमेंट में काफ़ी ऐसे कमेंट्स आएंगे, तो भाई दिल पे मत लो भाई, तुम्हारा फेवरेट स्पीड स्टार बेस्ट है। बट मैं बोलने वाला हूँ जोरोर के बारे में, तो रिसेंटली जोरोर को काफ़ी अच्छे नर्फ दिए गए ताकि ये बैलेंस हो पाए, क्योंकि भाई इसका डैमेज आउटपुट इतना ज़्यादा इनसेन आ रहा था स्टार्टिंग के टाइम जब जोरोर इन गेम आया था, तब भाई ये इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं मचा पा रहा था। बट जब से इसका बैटल पास आया था एंड जब इसमें बफ किए गए थे, उस टाइम से भाई जोरोक तो भाई काफ़ी इंसेंट परफॉर्म कर रहा है और अभी भी ये करेंटली मेटा में है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई इसका हाई मोबाइलिटी आपको पता ही है, डैश मूव सेट है इसके पास जो कि इसे और मोबाइलिटी प्रोवाइड करता है, एंड स्टैंडर्ड अटैक हाई स्टैंडर्ड अटैक डैमेज है ऑल स्पीड स्टार। ऑल स्पीड स्टार क्या, मैं ऑल पोकेमोन यूनाइट में बोलूँ तो, एंड इसका जो इल्यूजन है जो इसे एक एक्स्ट्रा एबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड भाई ये काफ़ी अच्छा होता है हिट एंड रन मेथड के अंदर, काफ़ी अच्छे से आप किसी भी फाइट को यहाँ से स्किप कर सकते हो। एंड अब हम बात करते हैं इसके मूव सेट के बारे में, तो मूव सेट के अंदर अभी के टाइम जो करंटली यूज़ हो रहा है, सो आप यूज़ कर सकते हो फेंट अटैक प्लस साइड हुक लेगा कॉम्बो, जो कि अभी मैं प्रीफर करूँगा यूज़ करो, काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकेंड मूव सेट है इसका नाइट स्लैश प्लस सैड उकले, और इसके साथ कट भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी बैटल आइटम में सबसे इंपॉर्टेंट है बैटल आइटम फुल हील जरूर यूज़ करना क्योंकि अभी स्टन काफ़ी है। नाउ बात कर लेते हैं इसके बिल्ड, जो कि आप यूज़ कर सकते हो इस पर, तो इस पर आप यूज़ कर सकते हो अटैक वेट, जो कि ओवरऑल आपका अटैक डैमेज इंक्रीज करेगा, एंड गोलिंग जरूरी अगर आप अटैक वेट लगाते हो तो याद रखना स्कोर जरूर करना। साथ में आप फोकस बैंड यूज़ कर सकते हो जो कि आपका डिफेंस अच्छा कर देगा एंड चांसेस आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे फाइट में बचने के। एंड इसी के साथ साथ वीकनेस पॉलिसी भी आप यूज़ कर सकते हो, इससे भी आपका अटैक डैमेज काफ़ी इंप्रूव होने वाला है। और बात कर लेते हैं बूस्ट एम्बलम के बारे में, तो बूस्ट एम्बलम पे आप इस पर 6 ब्राउन एंड 6 वाइट का कॉम्बो यूज़ करो, ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, बेटर रहेगा आपका आपके लिए। बाकी जरूरत के अंदर भाई काफ़ी अच्छा, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो प्रैक्टिस एरिया में जाके इसके कॉम्बो का, तो भाई इनसेन परफॉर्म कर पाओगे आप रैंक मैच के अंदर। बाकी आज के लिए तो इतना ही, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए जहाँ पे हम बात करेंगे अटैकर के ऊपर,
बेस्ट मूवसेट कौन सा है अभी अटैकर का, बेस्ट बिल्ड कौन सा है, बूस्ट एम्बलम कौन सा यूज़ करना चाहिए और करंटली कौन सा मेटा में है, क्या बफ मिले क्या नर्फ मिले, ये सब आपको जानना है तो भाई पार्ट टू कमेंट जरूर करना, देखते कितने कमेंट्स आते हैं एंड 200 का लाइक एम जितनी जल्दी आप कराओगे पार्ट टू में उतनी जल्दी ड्रॉप आउट कर दूंगा चैनल पे। तो होप सो आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ऐसी वीडियो के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंजॉय करो अपना डे, मिलता हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।